उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों में भी जिताऊ उम्मीदवार नजर आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश के निकाय चुनाव में कई मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। अकेले लखनऊ में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं वाराणसी में बीजेपी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव चला है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यूपी में मुस्लिमों को एक भी टिकट न देने के सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जवाब था, टिकट जिताऊपन के आधार पर तय होता है, न कि धर्म जाति पर। शाह के बयान को टिकट निर्धारण का सर्वमान्य मानक माने तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुसलमानों को जिताऊ मान लिया है। पार्टी ने नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक में इस बार मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। लखनऊ के 4 मुस्लिम बीजेपी उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम महिला नेता नाजुक जहां और रिजवाना बानो हैं। वहीं बुक्कल नवाब के बेटे को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी ने 3 में से 2 मुस्लिम महिला चेहरों पर दाव लगाया है। रुबीना बेगम और हुमा बानो वाराणसी के अलग अलग वार्ड से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। सिर्फ लखनऊ और वाराणसी ही नहीं, बीजेपी ने मेरठ की शाजापुर नगर पंचायत से आयशा खान और बिजनौर के सरसपुर नगर पंचायत से निशा परवीन को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। कासगंज के भरगेन नगर पंचायत से नजमा बेगम बीजेपी की टिकट पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी, आजमगढ़, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, कानपुर, बरेली, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर समेत कई अन्य जिलों में भी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। गौरतलब है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है, वहां बीजेपी ने इस चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर भी दाव लगाने की रणनीति बनाई है।